इसराइल को आतंकी हमले का शक है। बड़ी खबर, टेरर अटैक एंगल से इसराइल ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, इसराइल जरा सा भी इस घटना को हल्के में लेना नहीं चाहता और लेना भी नहीं चाहिए। और एक बड़ी खबर, टेरर अटैक एंगल से इसराइल ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और इसराइल को आतंकी हमले का शक है। तो अब क्या दिल्ली पुलिस भी इसी एंगल से जांच शुरू करेगी? जितेंद्र जी, बिल्कुल, जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच का जो एंगल है वो हर तरफ घूम रहा है, यानी कि जांच के सारे एंगल खुले हुए हैं दिल्ली पुलिस के सामने। खुद SN श्रीवास्तव ने, जो कि दिल्ली पुलिस के मुखिया हैं, कमिश्नर हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इस घटना को बेहद गंभीरता से, बेहद संजीदगी से ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कोई चूक नहीं छोड़ेगी और यही वजह है कि जैसे इस बात की जानकारी मिली, तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, स्पेशल सेल के जो तेज तर्रार अधिकारी हैं, उन सभी को तुरंत मौके पर भेजा, जो इस वक्त यहाँ तफ्तीश के अंदर जुटे हुए हैं, जहाँ मौका वारदात से तमाम सैंपल्स इकट्ठा किए गए हैं, जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा और जानने की कोशिश की जाएगी आखिरकार धमाका किस तरीके का था। रही साजिश की बात, साजिश को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम अलग से काम कर रही है। जितने भी इलाके के CCTV फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। साल 2012 में जो ब्लास्ट हुआ था वो भी इसराइल एम्बेसी की गाड़ी के ऊपर। लेकिन मनीष देखिए, 26 जनवरी की हिंसा हम लोग भूले नहीं। अभी दिल्ली वाले उसी सदमे से नहीं निकल पाए जो 26 जनवरी को हुआ। उसी बीच 29 जनवरी को जब बीटिंग द रिट्रीट जैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा हो, देश की पूरी सरकार, देश के राष्ट्रपति जो इस वक्त राष्ट्रपति भवन के बाहर राजपथ पर हमें देख रहे थे, वो बैठे हुए थे, बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी, उसी वक्त मात्र 1.5-2 किलोमीटर दूर इस तरह से एक VVIP जोन में इस तरह का ब्लास्ट, क्या ये माने कि दिल्ली को दहलाने का एक पूरा प्लान लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो घटनास्थल है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और बीटिंग रिट्रीट में मैं गौरव खुद ही था वहाँ पर, और जब हमारे साथी जितेंद्र ने ये खबर ब्रेक की और उसके बाद फिर हम खुद यहाँ भागे भागे आए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसी सड़क से होकर जहाँ पर इजराइल एम्बेसी है, यहीं से होकर बहुत सारे गणमान्य लोग बीटिंग रिट्रीट को देखने पहुँचे थे। यहाँ से मैच 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली के विजय चौक पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति सब मौजूद थे ठीक उसी समय जिस समय ये ब्लास्ट हुआ। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए जब सामने में आप ये रोड देख रहे हैं ना, ये भले ही आपको बड़े बड़े पेड़ सब यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन जो बातें मैं नहीं डिटेल सिक्योरिटी डिटेल आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बस आप इसको इतना ही समझिए कि इजराइल एम्बेसी के प्रमुख सुरक्षा अधिकारी ने एक बार मुझसे यही कहा था कि इस रोड से जो भी गुजरता है ना, उस सब पर हमारी नज़र होती है। तो आप इशारों में ही समझ जाएं कि यहाँ पर सर्विलांस का क्या तरीका था, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये VVIP इलाका है, सामने में ताज मानसिंह होटल है और इससे 1 किलोमीटर दूरी है, और यहाँ तमाम मंत्रीगण, तमाम सांसद, तमाम जजेस, इन सब के घर हैं। तो ऑब्वियसली है कि दिल्ली का सबसे मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया में ये घटना घट रही है। अब रही बात इजराइल अगर इसको टेरर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो देखिए हमारी एजेंसी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी टेरर इन्वेस्टिगेशन का एक लंबा अनुभव है। दिल्ली पुलिस ने बहुत कामयाबी के साथ, स्पेशल सेल ने 2008 में सीरियल ब्लास्ट की पूरी इन्वेस्टिगेशन निकाली थी और तब इंडियन मुजाहिदीन की कमर तोड़ दी थी। तो आपने बड़ी बात कही है, मैं जितेंद्र से यही सवाल देने वाला था कि जितेंद्र केवल दिल्ली पुलिस ही अब केवल इस धमाके की जांच कर रही है या NIA या दूसरी एजेंसियां भी इस जांच में अब आ रही हैं सामने, वो भी जुट गई हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, जो पूरे जिसको महारत हासिल है इस तरीके के टेररिज्म के केसेस को ओपन करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, उसके तमाम आला अधिकारी, बेहद तेज तर्रार अधिकारी इस वक्त मौके पर यहाँ मौजूद हैं। खुद SN श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, वो खुद अपने तमाम आला अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं, पल पल की जानकारियाँ ले रहे हैं, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द वो इस पूरे मामले को सुलझा भी लेगी, क्योंकि कई अहम क्लू आरोपियों के बारे में पुलिस के हाथ लग चुके हैं और जाहिर सी बात है उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने अपनी कोशिशें भी शुरू कर दी है, कई CCTV। और देखिए जब हम ये बात कर रहे हैं तो एक जानकारी ये भी आ रही है दिनेश, माफ कीजिएगा जितेंद्र, एक जानकारी ये भी आ रही है कि अयोध्या में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, अयोध्या के जो प्रवेश मार्ग हैं सब जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। तो वाकई इस बात को लेकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ये यहां पर गंभीर घटना है और इसको लेकर कैसे आप प्रशासन सतर्क है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।